आपने कहा था मैं आपके जैसा हूँ, फिर आप समझ क्यों नहीं पाए? देव, सब ठीक है बेटा, टेंशन मत ले यार, क्या सोच रहा है? आयुष मेरे पास आया था, मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन ना ही मैं उसकी बात सुन पाया और ना ही उसकी परेशानी समझ पाया। मैं उसे हमेशा कहता तो रहता हूँ कि वो मेरा बेटा है, मेरे जैसा है, लेकिन लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सुहाना, सुहाना भी तो इतने साल मुझसे दूर रही थी ना, लेकिन जब वो इस घर में आई तो उससे कनेक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, लेकिन आयुष के साथ। देख बेटा, तेरे हाथ में जो है तू कर रहा है ना यार। और रही बात सोहा की, हालांकि कुछ सालों तक वो तुझसे दूर रही, लेकिन बचपन से वो जानती है कि तू उसका पिता है, हैं? वो सोनाक्षी के साथ रही ना, और जब तू उससे मिला तो उसकी जिंदगी में पिता की कमी पूरी कर दी। लेकिन आयुष, उसके लिए तुम्हारी दुनिया एकदम नई है बेटा। अरे उसका पिता था यार, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है ना, उतनी ही मुश्किल उसके लिए भी है। और एक बात याद रखो, ये आयुष सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बेटा, उस सोनाक्षी का भी बेटा है। तो कुछ आदतें तुम्हारी जैसी होंगी तो कुछ आदतें उसके जैसी भी होंगी। आयुष को समझने के लिए तुम्हें सोनाक्षी को समझना होगा, इसके लिए तुम दोनों को आपस में जुड़ना होगा, तभी तुम अपने बेटे को अपने आप से जोड़ पाओगे। सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक्त जो है ना बहुत कुछ बदल देता है। चलो मैं थोड़ा वक्त राधा रानी को भी दे दूं, नहीं तो वो मेरा वक्त बदल देगी। देख कितना अच्छा लग रहा है ऐसे ही चिल खुश रहा कर यार, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल बेटा, चल दो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.